दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। आप सबका इस्तकबाल है A18 तेलंगाना न्यूज़ पर। DGP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने आवाम को वार्निंग दी और कहा कि गैर मजहबी लड़का और मुस्लिम लड़की या अलग मजहब के लड़का या लड़की को बीच रोड पर ना रोके वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आइए सुनते मजीद तफसलात। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शौकत की एक खास रिपोर्ट पेश है, ब्यूरो रिपोर्ट A18 तेलंगाना न्यूज़। हाँ या अभी एक टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अगर से बच्चे लड़का हो या लड़की हो दोनों अगर से गाड़ी में जा रहे चल के जा रहे उनको रोक के उनको पूछना तो ये इलीगल काम है। किसी का कोई हक नहीं है किसी को पूछना। अगर से वो मेजर रहे तो उनका मर्जी से वो लोग जा रहे तो किसी कोई का आदमी को ऐसा सोच सकता कि गलत कर रहे तो लोग दो लोग दोस्त नहीं हो सकते क्या? एक हिंदू और मुस्लिम तो साथ में जा सकते हैं। इस तरह का अगर से आदमी कोई सोच रहा तो मतलब वो बिल्कुल कम्युनल माइंड का आदमी है। उनके इस तरह के लोगों के ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। पब्लिक को भी टॉलरेट नहीं करना इस तरह का काम। केसेस भाई सर एक तो हमारे गोलकोंडा में किसी को रोक के क्वेश्चन कर रहे तो एक वीडियो निकला उस पर वो एक्शन लिए उसको आदमी को अरेस्ट भी करे। उस तरह के ऑफेंस में एक नहीं आदमी जितने अगर से 10 लोग भी मिलके किसी को सपोर्ट कर रहे तो सब लोग को अरेस्ट करके रिमांड करेंगे। आदमी जो रोका नहीं जो इमीडिएटली जाके उसको जो सपोर्ट करता सब लोगों को अरेस्ट करेंगे। ఖచ్చితంగా అందరిని అరెస్ట్ చేస్తాం ఐడెంటిఫై వదిలేదు ప్రసక్తి ఉండదు। हैदराबाद के नामपल्ली क्षेत्र में कल एक ग्रुप ने मुस्लिम से लड़की गाड़ी के पीछे बैठी हुई है और सामने कोई हिंदू लड़का है उसको रोककर उन पर हमला करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तेलंगाना पुलिस खामोश है। ये पहला केस नहीं, इससे पहले भी हैदराबाद सिटी में एवं तेलंगाना में कई ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। फॉलो करते हैं, उनको रोकते हैं, उनको मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। ये कौन लोग हैं और इन पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? मैं तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री एवं होम मिनिस्टर जी से पूछना चाहूँगा। अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान से करती है शादी तो पूरी पुलिस फोर्स वो शादी कराने में लग जाती है। अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से प्यार करता है सपोज, या कोई हिंदू लड़का उसके ऑफिस की लड़की को या उसके घर छोड़ने जाता है या हॉस्पिटल को लेने लेकर जाता है या कोई ना कोई इमरजेंसी के कार्य के लिए ले जाता है, उसके मन में कोई मंशा नहीं होती है तो भी बिना इंक्वायरी करे बिना जांच करे उस हिंदू लड़के पर और मुस्लिम लड़की पर हमला किया जा रहा है। तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया? मिट्टी में मिल गया लॉ एंड ऑर्डर तेलंगाना का। आज की ये परिस्थिति है। मैं मुख्यमंत्री जी होम मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है बचाना है तो जो भी ये लोग हैं इन पे कार्रवाई करें, इनको अरेस्ट करें। अगर काउंटर हम देंगे तो तेलंगाना का मैटर खराब होगा, तेलंगाना का वातावरण खराब होगा। इसलिए मैं पुलिस से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो भी हरामी लोग जो रोड पर घूम रहे हैं इन पर तुरंत कार्रवाई करें। ये कौन सा ग्रुप है इन पर एक्शन ले, इनको आइडेंटिफाई करे। नहीं तो आने वाला समय ऐसा होगा कि कोई भी महिला किसी हिंदू से हेल्प नहीं मांगेंगी, किसी के पीछे नहीं जाएगी कि भाई या हमें हेल्प कर दो। तो ये वातावरण जानबूझकर ख़राब करने का एक षड्यंत्र है। मैं हमारे DGP से निवेदन करना चाहता हूँ कि तुरंत इन लोगों पर कार्रवाई करें। शहर हैदराबाद का निजामी जायका विजयनगर कॉलोनी में फलक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट जहां हर किस्म का पकवान मौजूद है। आपकी खिदमत के लिए हैदराबादी जाफरानी बिरयानी, पोटली की मसाले के साथ नहरी पाए, सी फूड मोटन की कई सारे आइटम्स, चिकन में 75 किस्म के आइटम्स, चिकन बिरयानी, हल्दी मटन बिरयानी, हंडी और दिगर लजीज डिशेस दस्तियाब है। ईरानी चाय जो एक बार पिए तो बार बार पीने का दिल करे। यहाँ AC डाइनिंग हॉल की सहूलत है, साथ ही अलग से फैमिली सेक्शन की सहूलत भी दस्तियाब है। बैंकेट हॉल भी अवेलेबल है, 200 से 300 मेंबर्स के लिए बुकिंग की जा सकती है। मजीद तफसलात के लिए राब्ता करें 9290127152 या
9010085141 पर। हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर भी अवेलेबल है, स्विगी जोमैटो पर भी हम मौजूद है। फलक रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर सैयद फसीउल्लाह हुसैनी, फलक रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल, मुगलाई, तंदूरी, चाइनीज, चिकन, बिरयानी, ईरानी चाय। एड्रेस अपोजिट यूनियन बैंक, आसिफ नगर।